अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तखार अहमद फ्रॉम सुफा साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि एमसीक्यू उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के अबाउट है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं जी। अब इसमें अगर हम गौर करते हैं, देखें तो आपके पास जस्ट वन पेन सेट मैंने ये पेन जी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके साथ उनके साथ जो है ग्रॉटफ्रीड विलियम लिबनिस जो है, इन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को जो है वो उनके यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क जो है किसने किया, आइजैक न्यूटन ने किया, लेकिन उसके बाद जो है बेसिक वर्क उसको प्रोसीड किया वो लिबनिस ने किया। यानी जो सर आइजैक न्यूटन ने वर्क किया था उनको इन्होंने प्रोसीड किया और इसको वेरीफाई किया दूसरे लफ्जों में। तो इसके बाद इनसे क्या हुआ कि इनकी वजह से, इनके वर्क की वजह से इन्वेंशंस हुई किसकी, डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस की जो है यहाँ पर हमारे पास इन्वेंशंस हुई, और ये डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस के लिए ये जो है बेसिक जो वर्किंग जो के लिहाज से किसने वर्क किया, सर आइजैक न्यूटन ने, विलियम लिबनीज ने, और इसका इन्होंने किस चीज़ में इन्वेंशन की, डिफरेंशियल कैलकुलस और डिवेलपमेंट ऑफ कैलकुलस में इनका जो है वर्किंग है। नेक्स्ट जो है मूव करते हैं तो आपके पास आ जाता है कुछ डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जब बात आ जाती है। तो इसमें पहले डिस्कस हो चुका है कि दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, एक आपको पता है कि डिपेंडेंट होता है और एक इनडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट को जाहिर करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं वाई को, और इनडिपेंडेंट को जाहिर करने के लिए हम किसको जाहिर करते हैं, एक्स को, इंडिपेंडेंट एक्स है मोस्टली जो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ये वो है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, तो वो आपके पास ये है कि हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हाईलाइटर सेलेक्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर द चेंज आपके पास जो है, चेंज इन एक्स, इस पैराग्राफ में चेंज इन एक्स, ये इस दो तीन लाइंस को पढ़ लें, जबरदस्त इस एमसीक्यू इसमें बन सकता है कि चेंज इन एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके साथ नेगेटिव भी हो सकता है, और उसके साथ इसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम इसे क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, और इसको डिनोट करेंगे इस सिंबल से, इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा, डेल्टा एक्स। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस पॉइंट को, ये डेल्टा एक्स के लिहाज से सिंबल इसको पढ़ा जाएगा डेल्टा एक्स, और ये किसको जाहिर कर रहा होगा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स को जाहिर कर रहा होगा। ये दो तीन जो हमारे पास लाइंस हैं इनको हमने जो है इसको ज़रा शेडिड कर दें तो आपके इम्पोर्टेंट आपको पता चले, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है ये इंक्रीमेंट कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसमें, इसको एग्जिट कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज से मुराद है कि जस्ट हम चेंज देखते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल्स के लिहाज से, तो ये रेट ऑफ चेंज या एवरेज चेंज बन जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चंस के अंदर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे ये कर्सर नज़र आ रहा है आपको, इस पोर्शन को देखें तो इसके अंदर आपके पास जो है देखें कोई लिमिटेशन नहीं है, जस्ट चेंज को मैयर किया गया, तो ये एवरेज चेंज हो गया। इस किस्म का एक्सप्रेशन आ जाए, पूछा जाए ये डिफरेंशियल कोशेंट किस चीज़ के बराबर है, तो ये एवरेज चेंज के बराबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, या जो भी आप क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अभी इसको हाईलाइट भी कर देते हैं जी। ये आपके पास लाइन लिखी हुई है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्टेंस, या जो भी आप फंक्शन वो कर रहे हैं, ये है ये वाला एक्सप्रेशन, ये देखें ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको करते हैं, ये बात हो गई एवरेज रेट ऑफ चेंज की। अब नेक्स्ट हम इसको लेके चलते हैं जी, ये सारी उसकी देख लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिहाज से कि ये क्या है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो गई अंडरलाइन कर लेंगे आप, ये सारा वही एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया गया है बेसिकली क्लोजनेस के लिए। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होगा,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की जब हम बात करेंगे, इस फंक्शन की लेट अस सपोज आप बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस की, तो इसके लिए ये लिमिट का होना जरूरी है। इस पोर्शन को देखें, आप देखें ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू अब जीरो आ गया, कि जब आप रेट ऑफ चेंज वेरी क्लोज टू जीरो ले जाएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, इट प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट इट इज डिफाइंड एज। अब इस पूरे इस लाइन को देखें जरा, ये यहाँ पर आपके पास है, ये देखें ये डिफरेंशियल कोफिशेंट कहलाता है, डिफरेंशियल कोफिशेंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, प्राइम से करते हैं। प्राइम ये डेरिवेटिव के लिए नोटेशंस हैं, इसको पढ़ा जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स पढ़ा जाता है। और इसकी जो डोमेन ऑफ एफ डैश है कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स, तमाम उसके डोमेन तमाम इनपुट्स के लिए ये ओके होता है, यानी एग्जिस्ट करना चाहिए ये डेरिवेटिव फंक्शन एफ के लिए। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्रेंसिएशन कहेंगे। इस प्रोसेस को डिफ्रेंसिएशन, जबकि उसको जो फंक्शन का आपने चेंज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये फाइंड किया, ये कंप्लीट, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये पोर्शन ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा या डेरिवेटिव कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब डेरिवेटिव की नोटेशंस बहुत सारी हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ यूज किए हैं, हम उसको देखते हैं। अब देखें द सिंबल डी वाई डी एक्स यूज फॉर डेरिवेटिव, देखें इस पोर्शन में इंपॉर्टेंट, इस पोर्शन में अगर आप देखें ये सारा जो है, इसमें डी वाई और डी एक्स भी यूज होता है डेरिवेटिव के लिए। इसी तरह जो है, अब अभी हमने वाई प्राइम भी पढ़ा, इसी तरह डी वाई भी लिख दें, इस लाइन को देखें, डिफरेंट नोटेशन है। तो अब यहाँ नीचे एमसीक्यूज बन सकता है कि किसने कौन सी नोटेशन इस्तेमाल की, अगर ये आप पैरा इसको उसको देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिबनीज ने की डी वाई और डी एक्स में, डी एफ ओवर डी एक्स में ये पूछा जा सकता है। अच्छा न्यूटन के लिए एफ है, लेकिन इसके ऊपर छोट एफ नहीं है, ये इस पर छोटा सा जो है वो भी है, सर्कल छोटा सा इसके ऊपर है। अगर यहाँ पे मुझे पेन मिल जाए, जी ये आपके पास पेन, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर छोटा सा जो है वो सर्कल है, हाईलाइट हो गया, अंडू कर देते हैं, अंडू। फिर मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, जी पेन ब्लैक, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर छोटा सा हम क्या कर लें, इस तरह सर्कल सा बना दें छोटा सा, तो ये न्यूटन ने जाहिर किया था इसकी नोटेशन में। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा सही नहीं हो रहा, लेकिन आप माइंड यहाँ पे आप बताने का मकसद ये, यहाँ छोटा सा सर्कल होगा जी, इस तरह ये न्यूटन ने यूज किया था। और लैग्रैंज ने प्राइम इस्तेमाल किया, और कॉशन ने डी एफ ऑफ एक्स के लिए कैपिटल डी यूज किया, कॉशन ने लैग्रैंज ने आपके पास प्राइम यूज किया, न्यूटन ने छोटा सा सर्कल यूज किया, और डी वाई ओवर डी एक्स या डी एफ ओवर डी एक्स लिबनीज ने यूज किया। ये एमसीक्यूज हैं, ये आपके पास यहाँ पर इस पोर्शन को देख लें आप, ये सारे एमसीक्यूज के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें कोई खास इतनी इसमें नहीं है। अब ये जो पोर्शन है, फाइंडिंग द शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है ये भी, फाइंडिंग द एफ डैश ऑफ एक्स फ्रॉम द डेफिनेशन और डेरिवेट ऑफ डेरिवेटिव, के बाय डेफिनेशन अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हमें उसके स्टेप्स क्या हैं या वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें चार स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में ये लेक्चर में आपने देख लिया होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, पहला उसमें चेंज लाएं, फिर चेंज मैयर करें, फिर उसका रेट ऑफ चेंज बनाएं, और उसके बाद क्या है ये उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ बनाएं, कि जब आप ये लिमिट ले लेते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। ये अगर आप यहाँ पर देखें ये चीज़, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। ये चार स्टेप्स हैं। अब इनका नाम क्या है, इसका नाम आपके पास फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन और बाय इनिशियो मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये इसके पास जो है वो आपके पास हो जाते हैं। ये इसमें आपके पास हो गई, एग्जिट कर देते हैं ड्रॉ को, ये एग्जिट हो गया। नेक्स्ट, और इसमें कोई खास इतनी बात नहीं है जो एमसीक्यू के लिहाज से हो जी, भी थोड़ी सी एक दो बातें हैं इसमें फर्दर भी, तो देख लेते हैं। देखें जी ये तो ये इस किस्म की होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये अगर पोर्शन को देखें, अगर आप इसमें डेरिवेटिव कोई पॉइंट दिया हुआ तो डेरिवेटिव लेकर उसमें वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस किस्म की नोटेशन है, उसको इस तरह लिखा जाता है। खैर ये एमसीक्यू उसके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये नोटेशन। डेरिवेटिव जब आप एक्स एन का लेते हैं, ये तो एन बिलोंग्स टू जेड, ये भी हो गया। इसी तरह वन वन का इस पोर्शन में अगर आप देखते हैं एमसीक्यू उसके लिए, अगर एन की जगह जीरो पुट कर दिया जाए तो एक्स एन का डेरिवेटिव जो था वो अब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो अगर पूछा जा सकता है कि व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो तो बताएं जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन कितना होगा, तो एक्स एन उसका क्या होगा, वो जीरो आएगा रिजल्ट। ये देखें इस पोर्शन से एन की जगह जीरो पुट कर दे, तो ये सारा वो हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट,
आपके पास है। बस मोस्टली यही बातें थी जो स्टूडेंट्स इसके लिहाज से थी, और इसे हम पावर रूल कहते हैं। ये अभी पहले हम रूल्स, इसको पावर रूल कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में जो यहाँ पे लिखा हुआ है एन, इस फार्मूले में एन से मुराद जेड है, तो जेड में आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, तो ये दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। पूछा जा सकता है कि ये फार्मूला किसके लिए है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी है और नेगेटिव इंटीजर के लिए भी है, और फ्रैक्शन फॉर्म के लिए भी है। बेसिकली जो एन ये फार्मूला है वो होता है रैशनल नंबर के लिए। बिल्कुल, हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो असल में ये फार्मूला है वो आपके पास जो है, ये जो जेड है ये बेसिकली रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, ये वाला एन। यहाँ उन्होंने जेड के लिए किया हुआ है, वैसे ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए, ये एन जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। यानी ये फार्मूला वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर आपके पास क्या हो, फ्रैक्शन फॉर्म भी हो। जैसे एग्जाम्पल बन सकती है, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ देख लें कहीं भी एग्जाम्पल के अंदर, तो बहरहाल ये पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा पी ओवर क्यू फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन हो तो उस पर भी ये जो है फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में अगर लिखा हुआ।